पत्नी के चरित्र पर शक के चलते एक बेरहम पिता ने 31 दिसंबर को मेडिकल वार्ड में अपने 2 दिन के बच्चे की हत्या करने की कोशिश की। शिशु जिसकी सर में फ्रैक्चर हो गया था, वह जीवन रक्षक प्रणाली पर 11 दिनों के लिए मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। आखिरकार बुधवार सुबह 11 बजे बच्चे की मौत हो गई। इस बात को सुनते ही मां की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। 31 दिसंबर 2022 को निष्ठुर पिता ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश में बच्चे को मेडिकल वार्ड में फर्श पर फेंक दिया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच वार्ड में डॉक्टर नर्स ने बच्चों को गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया। एक्सरे जांच में बच्चे की सर में फ्रैक्चर की बात सामने आई। बच्चा शुरू में सांस लेने में सक्षम था, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। इस बीच यहाँ के डॉक्टर से लेकर रेसिडेंट डॉक्टर लगातार मानवीय नजरिए से बच्चे के साथ साथ उसकी माँ पर भी ध्यान दे रहे थे। समय समय पर माँ की काउंसिलिंग भी की जा रही थी। लड़का लगातार 11 दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। आखिरकार बुधवार सुबह 11 बजे उसका देहांत हो गया। यह जानकारी जानने के बाद माँ के आंसू छलक पड़े और उसके आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। चूंकि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, इसलिए डॉक्टरों और रिश्तेदारों द्वारा उसकी काउंसलिंग की जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शरद कुचेवार ने इस बात की पुष्टि की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।